हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे थे 9 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। मॉर्निंग में ही बना लिया था 5:30 बजे उठ करके। बस अपना, आरुष्का और दक्षिता का भी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चले गए ऑफिस। और यहाँ पे मेरा रूटीन अब कुछ ऐसा सा ही रहता है, तो बस आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। और बस 5-6 पराठे बनाए थे मैंने अपने तीनों लोगों के लिए। उसके बाद से किचन वगैरह क्लीन किया। और अभी मैं गुड़ वाली चाय, आज मेरा मन कर रहा था पीने का, मैं ग्रॉसरी में ले आई थी जागरी पाउडर, तो बस शुगर नहीं डाली थी मैंने अपनी चाय में, बस ऐसे ही बना ली थी। और गुड़ ऊपर से डाल रही हूँ, मतलब कप में डाल दिया, उसी में अपनी चाय छान लूँगी। और ये है दोनों बच्चों का दूध, इसमें मैंने चीनी मिलाई थी क्योंकि ये लोग बिना चीनी के दूध पीते नहीं हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पीना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ी गैस बनती है सादा दूध पीने से, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीनी मैं मिला देती हूँ। और ये है मेरी चाय, इसमें मैंने बस गुड़ मिलाया था। उसमें जो चम्मच डाली थी मैंने बहुत छोटा था, तो इसलिए 2 चम्मच मैंने डाले थे। और ये है मेरा आज का नाश्ता। आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए आलू का पराठा और गर्मा गर्म चाय। अभी हम लोग बैठ करके कर रहे हैं नाश्ता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा ही लग रहा है, मीन्स फैमिली से दूर और इस तरह से। तो खैर, नाश्ता वाश्ता करने के बाद तब फिर मैंने हॉल सही किया, बेडरूम सही किया, ये सब जो नॉर्मल के काम होते हैं इन सबको करने के बाद फिर अभी मुझे पोछा भी लगाना है। तो अभी कुछ ऐसा ही रूटीन चल रहा है मेरा। और हस्बैंड की जॉब का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी 6 बजे जाना है, कभी 9 बजे जाना है, ऐसे करके। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है रूटीन, मेरा भी गड़बड़ सा हो जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा ही चलेगा, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं इसमें। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और आज है 30 मार्च। ब्लॉग शुरू किया था मैंने 9:30 के आसपास, 9:30 नहीं, उसके पहले ही शुरू कर दिया था। और नाश्ते में बनाया था आलू का पराठा और चाय। हस्बैंड चले गए ऑफिस और आज खाना नहीं, बस 2 पराठे ही लेकर के गए हैं। आएंगे आज 4 बजे, मतलब ना कुछ भी पक्का नहीं है कि कितने बजे ऑफिस जाना है। 2 दिन 9 बजे गए थे, आज 6:30 बजे ही चले गए हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा, और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी सारा काम मेरा हो गया है, बस अब मुझे पोछा लगाना है, बच्चों को नहलाना है। और हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे 6:30 बजे, फिर मैं आके सो गई थी, फिर उठी हूँ 8:30 बजे उसके बाद से। खैर, नाश्ता तो तैयार ही था, बस पराठे मैंने बाद में बनाए थे अपने आरुष और दक्षिता के लिए। और अभी ना घर में बहुत काम बाकी भी है, जैसे ना कुछ कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं अभी तक मुझे। मैंने जितने भी, मतलब सामान जो भी हमारा आया था मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू, पर्दे नहीं मिल रहे हैं। पर्दे लिए थे मैंने बैंगलोर में, न्यू पर्दे लिए थे मैंने, और 2 महीने यूज़ करके फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। तो पर्दे नहीं मिल रहे हैं, कुछ कपड़े नहीं मिल रहे हैं, बस पर्दों का ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है मुझे। नहीं मिलेगा तो फिर नया लेना पड़ेगा, वैसे मिल तो जाना चाहिए। अभी भी 4-5 गत्ते ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं, तो उन सब का भी अभी मुझे देखना है कहाँ पे है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। और अभी मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे, दक्षिता नीचे ओनर के यहाँ जाके खेल रही थी। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बस पोछा लगाते लगाते मुझे लग गई थी प्यास, फिर मैंने पिया फटाफट से पानी। और अभी आ गई थी मैं चावल चढ़ाने के लिए, सिंपल प्लेन चावल बनाऊंगी और उसको लेमन राइस मसाले के साथ फ्राई करूंगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले भी हम लोग बनाते थे और स्कूल में बच्चों को लंच वगैरह देने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बना रही हूँ पानी को बॉईल कर करके, और चावल मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया। ये जब बन जाएगा फिर इसको छान देंगे, इससे सारा पानी निकल जाएगा, तब फिर इसको फ्राई करेंगे लेमन राइस पाउडर के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक थोड़े से बर्तन
मैं जा रही हूँ उनको वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, और इसमें बॉयल आ गया है। और बस जब तक बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए, फिर दक्षिता को नहलाया, तब तक चावल हो गया था। अब ये ना ठंडा हो जाएगा, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। पानी सारा भी मैं छलनी से छान दूँगी, या किसी भी ऐसे बर्तन में छान लीजिए जिससे, और ऐसे ना चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं। फिर दक्षिता को रेडी वेडी करके आई, तब तक चावल ठंडे हो गए थे। इसको मैंने सरसों दाना जो होता है काले वाला, उससे और करी पत्ते से इसमें तड़का दिया था मैंने। आप चाहो तो ना मूंगफली भी डाल सकते हो इसमें, बहुत ही टेस्टी लगती है मूंगफली। पर मैं ना राशन मिलाना भूल ही गई थी बिल्कुल, अब नेक्स्ट मंथ लाऊँगी। तो सरसों दाना और करी पत्ते से मैंने इसमें दिया है तड़का, और एक प्याज बारीक बारीक काट करके डाल दिया है। और जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, हल्का गोल्डन हो जाएगा, तब इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी जो पहले से मैंने कुक करके और ठंडा करके रखा हुआ है। तो एक हाथ से शूट करने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। फिर ये है लेमन राइस पाउडर, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, और नॉर्थ में तो खैर मुश्किल है मिलना, पर साउथ में इजीली अवेलेबल होता है ये सारा मसाला, और बहुत ही टेस्टी लगता है इन सब में फ्राई किया हुआ चावल। और इसके अंदर ना नमक होता है, तो नमक हल्का ही डालना पड़ता है, वरना नमक तेज हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, फिर 5-7 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे अच्छे से, और ये कुछ ऐसा लगता है। और बस अभी मैं लगा रही हूँ दक्षिता और आरुष की प्लेट, और दक्षिता में ही मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल लिया था। और ये है हमारा आज का लंच, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। टाइम हो गया है, 3 बजने वाले हैं, आई थिंक 3:10 हो गए हैं। और मैंने अभी अभी एक वीडियो कंप्लीट करी, कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि दुपट्टा स्टोल और स्कार्फ का जो कलेक्शन है मेरे पास, उसकी एक वीडियो बनाऊं। तो शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर मैंने सोचा आज टाइम था मेरे पास, खाना वाना खाने के बाद 1-2 घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा आज वो वीडियो बना करके पोस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ना इतनी इचिंग हो रही है, यहाँ जहाँ मैंने बिंदी लगाई है, ये देखो छोटे छोटे दाने से हो गए हैं कहीं कहीं फेस पे, इधर उधर फेस पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मेरे, पता नहीं क्यों। यहाँ पानी थोड़ा खारा होता है इधर का ना, इसलिए। तो कुछ ऐसा रूटीन चल रहा है शिफ्टिंग के बाद का, मेरा रूटीन चेंज होता रहेगा, पूरी तरह से चेंज होता रहेगा। क्योंकि पिछली बार था तो हस्बैंड का जॉब, कभी नाइट शिफ्ट, कभी आफ्टरनून शिफ्ट, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, ऐसे ऐसे चलता था। लेकिन इस बार का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी 9 बजे जा रहे हैं, कभी 6 बजे जा रहे हैं। तो शिफ्ट ऐसा ही चेंज होता रहेगा मेरा भी रूटीन जो भी है। और मंडे से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, फिर कुछ और ही मतलब रूटीन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है शिफ्टिंग के बाद का मेरा रूटीन। और बस अभी खाना वाना खा कर, खाना तो खैर 2 ही बजे खा करके हो गए थे फ्री। अब मैं जा रही हूँ, जो आज मैंने अभी वीडियो बनाई है दुपट्टा कलेक्शन वाली, उसको जा रही हूँ एडिट करके पोस्ट करूँगी। 6:00, अभी 3 बज रहे हैं, तब तक मेरा हो भी जाएगा। और हाँ, एक बात और, लाइव आने के लिए कमेंट आ रहा था और रिक्वेस्ट आ रही थी, अभी लाइव इसलिए नहीं आ पा रही हूँ ना, टाइम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मतलब थोड़े बहुत जो काम हैं सो हैं। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस टाइम मेरे पास, जो फ़ोन में जो नेट है वही है, वहाँ पे था ना, तो लगा हुआ था, वाईफाई लगा हुआ था, लेकिन अभी शिफ्ट हुए हैं, धीरे धीरे ही सब कुछ हो पाएगा। तो बस इसी वजह से मैं लाइव चाह करके भी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। देखती हूँ आने वाले टाइम पे ट्राई करूँगी, वाईफाई अगर लग जाता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।